मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी द्वारा उत्तराखंड में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए विशेष प्रयास किए जा रहे। ऐसे में मुख्यमंत्री धामी के द्वारा अपने विधानसभा क्षेत्र चंपावत में भी पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए प्रयास जारी है। इसी क्रम में जनपद चंपावत में एडवेंचर एरो स्पोर्ट्स की संभावनाओं को देखते हुए प्रदेश सरकार की पहल पर टनकपुर में एक प्राइवेट एडवेंचर कंपनी द्वारा नैनो ट्राइक और पावर मोटर पैराग्लाइडिंग का ट्रायल किया गया, जो सफल रहा। टनकपुर के पूर्णागिरी मार्ग पर स्थित ग्राम नायक गोठ में मैदान तैयार कर हवा में नैनो ट्राइक और पावर मोटर पैराग्लाइडिंग का ट्रायल किया गया। इन दोनों तरीकों से एक पायलट समेत एक अन्य कुल दो लोग सफर कर सकते हैं। तो पावर मोटर PPG शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं, पावर मोटर पैराग्लाइडिंग और पैरामोटरिंग भी बोलते हैं अलग अलग टर्म्स में। तो बेसिकली इंजन होता है, इंजन में फ्यूल होता है, प्रोपेल्ड होता है। तो आप एक प्लेस से लैंड कर टेक ऑफ करके पूरा सर्किट घूम के और वापस उसी स्पॉट पर लैंड कर सकते हैं। हापुड़ उत्तर प्रदेश से नैनो ट्राइक्स टेस्टिंग के लिए आए पायलट शिव यादव, सुभाष सिंह और अमित यादव ने हवा में इसका सफल ट्रायल किया। वहीं गांधीनगर नैनो ट्राइक के लिए गुजरात से आए पावर मोटर पैराग्लाइडिंग के पायलट अमित परमार व उनके सहयोगी अमित और शिवम ने भी हवा में इसका सफल ट्रायल किया। पावर मोटर पैराग्लाइडिंग के पायलट अमित परमार ने पैराग्लाइडर के बारे में आम लोगों को जानकारी दी। वहीं चंपावत के जिला पर्यटन अधिकारी अरविंद गौड़ ने मीडिया को जानकारी देते हुए बताया कि टेस्टिंग के बाद सरकार द्वारा हवाई सेवाओं को अनुमति मिलने पर टनकपुर से पिथौरागढ़ के लिए सेवा शुरू की जाएगी। पर्यटन विभाग द्वारा एरोस्पोर्ट्स को बढ़ाने के लिए जनपद में एरोस्पोर्ट्स के अभी तक कोई कंपनी ऑपरेट नहीं करती है, तो हम यहाँ पे आज किरणा नाले में हम ये उसको समतल कर रहे हैं, पूरा एयर स्ट्रिप डेवलप कर रहे हैं और यहाँ पे हम एक पैरामोटरिंग का अटेम्प्ट करेंगे। उसके अलावा हम यहाँ पे अल्ट्रा लाइट एयरक्राफ्ट हम यहाँ पे उड़ाएंगे, जो कि पहली बार उत्तराखंड में उड़ रहा है। तो ये फ्यूचर में हम चाहेंगे कि हम यहाँ से उड़ाएं और इसको हम पिथौरागढ़ तक लेके जाएं, टनकपुर से पिथौरागढ़। ये टेस्टिंग सफल होती है और इसमें हमें जो पॉजिटिव रिपोर्ट मिलती है, टेक्निकल जो हमारे एक्सपर्ट्स आए, दो कंपनी में आज इनवाइट किए हैं, तो हम यहाँ फ्यूचर में एक एडवेंचर फेस्टिवल भी प्लान करेंगे इस जगह पे। साहसिक खेल केंद्र के रूप में इसको चलाना चाहते हैं, तो अभी हमने एक नई कंपनी भी हम यहाँ ला रहे हैं राफ्टिंग की। इसके अलावा यहाँ पे हम पैरामोटरी कंपनी इन्वाइट कर रहे हैं, तो हम चाह रहे हैं इन कंपनी को हम यहाँ पे ऑफिस देके इस सेंटर को भी चलाएं, जिससे क्षेत्र में एयर एडवेंचर पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा, वहीं रोजगार के भी अवसर बढ़ेंगे। नैनो ट्राइक के जरिए टनकपुर से पिथौरागढ़ तक की हवाई दूरी 50 किलोमीटर होगी। इसके उतरने के लिए पिथौरागढ़ स्थित नैनी सैनी हवाई पट्टी के लिए प्रदेश सरकार से अनुमति मांगी जा रही। टनकपुर पिथौरागढ़ हवाई सफर सफल होने के बाद इसे टनकपुर से देहरादून के लिए भी उड़ान के लिए परखा जाएगा, जबकि पावर मोटर पैराग्लाइडिंग लोकल में ही संचालित होगा। प्रदेश सरकार पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए इनको टनकपुर से संचालित करने के लिए प्रयासरत है। प्रदेश सरकार से अनुमति मिलने के बाद टनकपुर से संचालित होने वाले नैनो ट्राइक उत्तराखंड में इस तरह का पहला हवाई सफर का साधन होगा। टनकपुर से लक्ष्मण बिष्ट की रिपोर्ट।